हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिसन। आज मैं आपके लिए व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम विदाउट मैदा बनाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पैनी पास्ता लिया है। अब मैंने गैस पर पानी बॉईल करने के लिए रखा है, उसमें मैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट का डालूंगी और 1 टेबल स्पून जो है ऑयल का डालूंगी। इसमें मैं पैनी पास्ता को बॉईल करूंगी। पैनी पास्ता को हमें सिर्फ हाफ बॉईल ही करना है। हमारा पैनी पास्ता हाफ कुक हो चुका है, अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 50 ग्राम बटर लेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाए तो हम इसमें सीजनल वेजिटेबल्स डालेंगे। मैंने अनियन लिया है, कैरेट लिया है, कैप्सिकम लिया है, आप अपनी पसंद की वेजी ले सकते हैं। अब हम वेजिटेबल्स को अच्छे से सॉटे करेंगे। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून नमक का डालूंगी। अब हम एक पैन में बटर लेंगे, उसमें हम गार्लिक डालेंगे, हल्का सा उसे भून लेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास दूध का डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट का डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून ऑरिगेनो डालेंगे और इसे पकाएंगे। अब हम इसमें बटर और मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा ठीक होने तक कुक करेंगे। अब हम इसमें 1/2 बॉइल जो पास्ता है वो ऐड करेंगे। अब इसे भी हम ठीक होने तक कुक करेंगे। अब हमारा पास्ता करीब करीब पक चुका है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स को भी ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा व्हाइट सॉस पास्ता सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।